अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, पे बैक के बाद WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है फास्ट लेन, जो कि 7 अक्टूबर को होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम फास्ट लेन 2023 के मैच कार्ड की प्रिडिक्शन करेंगे कि आखिर कौन से मैचेस इस शो पर हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या रोमन रेंज हमें इस शो पर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। गुंथर वर्सेस चैड गेबल फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। दोस्तों, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर इस वक्त लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं और लास्ट टाइम उन्होंने अपना टाइटल डिफेंस चैड गेबल के अगेंस्ट किया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं लगता कि उनकी और चैड गेबल की स्टोरी खत्म हो चुकी है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनका एक और मैच हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें शायद फास्टलेन प्रीमियम लाइव इवेंट पर होता हुआ दिखाई दे। रिया रिपली वर्सेज रेकुअल रोड्रिगेज फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। दोस्तों, इनका मैच भी हमें पे बैक पेपरव्यू पर होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन WWE इनकी स्टोरी को भी एक्सटेंड कर सकती है क्योंकि इस वक्त रिया रिपली के लिए WWE ने कोई और अच्छा ओपोनेंट तैयार नहीं किया है, लिहाजा हमें फास्टलेन 2023 पर इनका एक रीमैच होता हुआ दिखाई दे सकता है। ड्रू मैकइंटायर एंड मैट रिडल वर्सेस द न्यू डे। तो मैट रिडल की इस वक्त एक कंट्रोवर्सी चल रही है, बट आई होप कि वो उनकी WWE बुकिंग को इफेक्ट नहीं करेगी और हमें ड्रू मैकइंटायर और मैट रिडल का मैच देखने को मिलेगा न्यू डे के अगेंस्ट। दोस्तों, फास्टलेन पेपरव्यू के इस मैच से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक करेक्टर चेंज, बाकी वो अलग बात है, अभी तो हम सिर्फ मैचेस की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की बात करें तो यहाँ पर हमें सेथ रोलिंस और शिंसुके नाकामुरा का एक रीमैच होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि WWE ने जिस तरह शिंसुके नाकामुरा के कैरेक्टर को बना दिया है तो WWE फिर से उन्हें एक वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अपॉर्चुनिटी जरूर देने वाली है और शायद इस पर वो कैपिटलाइज भी कर पाए। इसके अलावा अगर हम एक टैग टीम मैच की बात करें तो यहाँ पर हमें 3-on-3 मैच होता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है द जजमेंट डे वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन एंड जे उज़ो, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जे उज़ो रॉ पर आने के बाद सैमी ज़ेन के साथ अलाइन हो चुके हैं और ना सिर्फ ये बल्कि द जजमेंट डे भी उन्हें टीज कर रही है, जिनकी स्टोरी लाइन अलग से केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ चल रही है। तो शायद इस बार हमें केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का जजमेंट डे के साथ 2-on-2 मैच नहीं बल्कि एक 3-on-3 मैच होता हुआ दिखाई दे, जिसमें एक तरफ जे उज़ो आ जाएंगे और दूसरी तरफ डोमिनिक मिस्टीरियो, और डेफिनेटली ये शो का एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जॉन सीना का मैच होता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जिसका कहीं ना कहीं रीजन है रोमन रेंस। अब रोमन रेंस जॉन सीना के मैच के होने की वजह इस तरह है कि क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमन रेंस इस शो पर नहीं परफॉर्म करने वाले और ना ही वो इस शो के पोस्टर पर मौजूद हैं, तो WWE को इस शो के लिए फैंस के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए इस शो पर एक बड़े सुपरस्टार का मैच करवाना ही था। और क्योंकि रोमन रेंस ऑलरेडी इस शो को मिस करने वाले हैं और जॉन सीना जो कि अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली WWE इस शो पर जॉन सीना का मैच करवाएगी। और जॉन सीना जिस सुपरस्टार के अगेंस्ट ये मैच रेसल करने वाले हैं वो है द मिज। तो जॉन सीना वर्सेस द मिज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है जो हमें इस शो पर देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ ही हमारा फास्टलेन का जो मैच कार्ड है वो कम्प्लीट हो चुका है और शायद यही मैचेस हमें शो पर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आपको इनमें से कौन सा मैच सबसे इंटरेस्टिंग लगा, जिसको आप जरूर देखना चाहेंगे, और इनके अलावा कौन सा मैच फास्टलेन प्रीमियम लाइव इवेंट पर ऐड हो सकता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।